बोलेंगे इसने घर सैटिन ने में तोड़ा फूड, घर हाँ फूड डाल दी, अब मैटर हाँ है ना, बिल्कुल वही इसमें है। एक चीज तो, इट्स अ काइंड ऑफ क्राइम दे आर डूइंग। अच्छा ये एफआईआर है जी, एफआईआर है। और ये हमने क्रिमिनल का किया हुआ है, या तो अपनी मम्मी पापा को गाली दिलवा उनके हाथों में डंडा दे दे, मारो भाई इन्हें, सबूत मिटाना होगी एक धारा होने। इसमें द्रोहबंती भी लगती है हाँ, 120 बी के मुलजिम में जो कानून के हिसाब से अगर जेल जाने का प्रावधान है तो जाना चाहिए। आज ये आए हैं ये तीनों एडवोकेट हैं यहाँ के, नोएडा के बड़े एडवोकेट हैं। दरअसल मैंने पहले भी बताया था कि कुछ लोग जो हमारे परिवार इसके लिए सोशल मीडिया पे रिएक्शन चैनल के नाम पर जो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, डिस्प्यूट डालते हैं, जबकि अब हमारे परिवार में लगभग लगभग सब चीज़ें ठीक होगी, लेकिन वो मानते नहीं हैं। हम करते हैं कुछ, वो बताते हैं कुछ, तो उससे क्या कि भम्मू की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। इसी की तबीयत खराब होने की वजह से ही इसको बीच में चक्कर आने लगे थे जिससे गिरी थी, जिसकी वजह से इसके पैर का ऑपरेशन कराना पड़ा। अभी भी ये तबीयत दिन में क्या, दिन में 4 घंटे तबीयत खराब होती है, फिर 2-3 घंटे के लिए जैसे सही हो जाती है, क्योंकि इसको एंजाइटी जैसे वो रहती है। तो डॉक्टरों ने कहा ये सारी चीज। मैं क्या है कि इन लोगों के खिलाफ में मैंने पहले ही आपसे बात की थी, मैं पहले कार्रवाई करानी चाह रहा था। बीच में जब इनका ऑपरेशन हुआ था मैंने सोचा कि इनके ऑपरेशन के बाद में कुछ वो कम हो गए थे, मैंने कहा चलो अब इन्होंने भी कहा कि छोड़ दो अब उनको, अब छोड़ दो, मैंने वो छोड़ दिया। उसके बाद अब फिर शुरुआत हो गई है ये। अब इन पे क्या कि अपने वो ने अच्छा, और जिस भी चीज को जैसे हम दिखा रहे हो उसको उल्टा ही बोलना है, उनको हर चीज को उल्टा ही बोलना है, ठीक है, तो उसके अपोजिट रिएक्शन करना। हाँ, हाँ, तो अब डिफेम, ये डिफेम करना है, डिफेम करना हाँ, एक तरीके से आपको मेंटल हरास करना है, मेंटल हाँ, है ना, वही है चीज। तो इट्स अ काइंड ऑफ क्राइम दे आर डूइंग, दे शुड नो दैट कि वो जो कर रहे हैं इट्स अ काइंड ऑफ क्राइम इन 66 आईटी एक्ट आईपीसी। अच्छा एक चीज और है, जैसे उनको कहते हैं ना कि यार ये है, तो उनका क्या होता है, ये तो बोलने का क्या वो है आजादी के, अच्छा, अच्छा, बोलने की अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति की आजादी है। लेट मी एक्सप्लेन अभिव्यक्ति की आजादी आपकी जब तक है जब तक आप किसी दूसरे की आजादी को ब्रीच नहीं कर रहे, सबसे पहली चीज, ठीक है सर। और जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको बोलने की आजादी देता है वही कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 21 देता है राइट टू प्राइवेसी। आप अपनी चीजें कहां तक, किस एक्सटेंट तक, किस लेवल तक पब्लिक में बताना चाहते हैं डिपेंड्स ऑन यू। आपकी प्राइवेसी मैं पब्लिक में नहीं बताऊंगा, यू हैव द होल ऑथराइजेशन, आप जो बताना चाहते हैं किस तरीके पर उसको मैं डिफेम नहीं कर सकता, उसको मैं जैसा बताने के तो अपने हिसाब से उसकी वो नहीं बोल्ड नहीं कर सकते, हाँ, बोल्ड नहीं कर सकते, उसमें आप कुछ एक्स्ट्रा डाल नहीं, नहीं सकते, उसको घटा नहीं सकते, कंटेंट ही चेंज कर दे रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, तो पूरा कंटेंट आप सुनो, मेरा कहने का मतलब कुछ और है, और वो जो कह रहे हैं बीएमए कैसे मान लूं कि जो वो कह रहे थे मेरा कहने का मतलब, वो अपना मतलब निकालते कि इनका मतलब ये था। उनके पास में ऐसी, मैं समझ रहे, उनके पास ऐसी कौन सी शक्ति है कि मेरे कहने का मतलब मीनिंग वो समझ जाते हो, मैं नहीं समझता, मैं तो कह रहा हूँ कि अलग है मीनिंग, वो अलग है। तो ये इतनी ज्यादा इन्होंने वो कर रखी है, वो क्या कि अपने व्यूज वगैरह लेने के लिए, उनको चाहे उनको अपने व्यूज लेने हैं, लेकिन व्यूज लेने की वजह से इतना वो नहीं हो सकता। मैंने अभी अब मैंने ये सोच लिया है कि इनका अच्छा, इसमें से एक चीज होता है, जैसे अभी हमने इसमें 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, इसके अलावा भी कुछ ऐसे थे पहले जो 1-2 चैनल कि जब मैंने बीच में कहा था ना मैं कार्रवाई करूंगा तो वो बंद हो गए थे, उन्होंने अपनी डिलीट भी कर दी, अब वो दोबारा से शुरू हो गए 1-2 चैनल ऐसे। आपने अभी जैसे 3 का किया तो उन दोनों 2-3ों का नाम और बढ़ा, तो फिर उसके लिए क्या करना है? नहीं, जब आप उससे निश्चिंत रहिए, अगर उन्होंने डिलीट किया है आपके पास वो एविडेंस है, वो हां मैं अभी आपको बता देता हूं, मैं आपको बता देता हूं, जिन्होंने डिलीट भी कर दी है ना वो वीडियो, उनकी हमारे पास में उनकी पूरी क्या कहते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, और वो पूरी रिकॉर्डिंग है एज इट इज हमारे पास में। अच्छा अच्छा, और बहुत से लोगों ने क्या किया कि जैसे उन्होंने क्या कि पहले उस पर हमारे फेस लगा रखे थे, अच्छा, जो हमारे डिफेम करने के लिए वीडियोज बनाई, हाँ यानी पूरी बुक बना रखी है हमने पूरी, ये वो थंबनेल थे उन्होंने सब चेंज कर दिए, अब ये थंबनेल उन्होंने चेंज कर दिए, तो वो क्या समझ रहे हैं, लेकिन हमारे पास है उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी है और ये है, ये सब आप देख लीजिएगा पुरानी, तो इट्स अ काइंड ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, ये तो आपको मतलब कहते कुछ और हैं और दिखा कुछ और रहे हैं। हाँ, हाँ, अब देखिए जैसे इसमें कि नहीं आएगी इसको हम वो कर देंगे असली। हाँ, चेहरा अच्छा एक चीज और, इंडिया से बाहर वालों को नहीं क्या हो सकता है? नहीं, सबके लिए है। हाँ, अब इंडिया से बाहर जैसे कोई इंडिया से बाहर है वहां से नेगेटिविटी फैला, वहां से डिफेम कर रहा है, बिल्कुल उसको क्या करेंगे, उसकी हम बताएं, उसकी भी वकील साहब बताई भी, हमने कुछ दिन पहले एक एफआईआर कराई है जी जी, यूएसए की सिटीजन। अच्छा ये एफआईआर है? एफआईआर है जी। अच्छा बिल्कुल आपके जैसा ही कंडीशन थी, बिल्कुल आपकी जैसी ही चीज थी कि यूएस में बैठ के बंदा यहाँ के बंदे को
मैसेजेस भेजता था, थ्रेट्स भेजता था, उसको मेंटली हरास करता था। तो 66 आईटी में एफआईआर हुई है। वकील साहब बताइए थोड़ा इसके बारे में। जी, इसमें हमने पहले भी अंडर सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट एक एफआईआर कराई हुई है। इसी तरह की जो धमकी भरे मेल्स आ रहे हैं, धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं, तो उसके लिए भी इसमें उनके लिए पनिशमेंट है, उनपे कार्रवाई हो सकती है आईटी एक्ट के अंदर। पनिशमेंट अप टू द 3 इयर्स है। नहीं, वो पनिशमेंट हो गया, लेकिन उसको उसके जैसे बाहर बैठा, मैं कह रहा हूँ उसके अच्छा, लिए क्या उसके लिए वो पता क्या होता है कि हम यहाँ से एक मुकदमा एक केस यहाँ से दायर करेंगे। वो केस थ्रू कोर्ट जाएगा, कोर्ट फिर हमें सुनेगा पहले, फिर हमें सुनने के बाद वो सम्मन करेगा। सम्मन हम यहाँ के एम्बेसी के थ्रू उनको सर्व करवाएंगे। यहाँ की एम्बेसी वहाँ के एम्बेसी को जहाँ पे भी एक्स वाई जेड आपकी जो भी कंट्री आप बताएंगे वहाँ उनको कॉन्टेक्ट करेगी वहाँ की एम्बेसी यहाँ, क्योंकि हम किसी कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते। वो उनको वहां से पूछेगी, बुलाएगी और वहां से डिपोर्ट करके यहाँ कोर्ट में पेश कराएगी। अच्छा, वो डिपोर्ट करके भेजेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, इट्स अ लीगल प्रोसेस। अच्छा, पूरे लीगल प्रोसेस के थ्रू ये सारी चीजें होंगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने आज कहा कल हमने मुकदमा कर दिया परसों में आ जाएंगे, नहीं, इट विल टेक सम टाइम। अच्छा, और जो एक और जो पास नहीं है, एक आध नोएडा में ही रहते हैं, तो नोएडा वालों के लिए तो कार्रवाई का बहुत इजी प्रोसेस है। अभी अभी आप दोनों तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस कोर्ट से भी कर रहे हैं, पुलिस की भी कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, दोनों तरह से देखिए एफ आई आर। अच्छा, आपने वो साइबर वाला भी, तो साइबर से साइबर से आ गया ना, साइबर ऑफिस से कमीशन का किया हुआ है मुकदमा, और ये हमने क्रिमिनल का किया हुआ है। अच्छा ठीक है, तो अब वो आ गया है वहां से। हमने यहाँ से पोस्ट भेजे थे भैया, जैसे आपने बोला था जी, जी, चार जगह भेजे थे जी। तो साइबर वालों को रिसीव हुआ, उन्होंने कॉल करा है और आज बुलाया है। एक चीज देखिए कि मेरे को जो एंजाइटी हो रही है ना, मतलब इतनी हो रही है, जो मेरी पहले वाली दवाई चलती थी ना, डॉक्टर ने वो खत्म कर दी और हैवी लिख दी है। आप क्यों क्या स्ट्रेस ले रहे हो ना, बहुत ज्यादा, मतलब स्ट्रेस है पूरा। ये देखो, ये सारे ये डॉक्टरों की ये यथार्थ ये सब इन्हीं की, इनके ऊपर दिया। देखो ना कि कितने कितने इनको कितना कितना ट्रीटमेंट, उस तरीके के एक घंटे में ठीक हो जाती है, फिर अगले घंटे बीमार हो जाती है। एंजाइटी में तो ऐसे ही होता है, दो एक घंटे सही हो गई, अगले घंटे फिर हो गई, फिर ये चीजें होती है। हमारे बहु बेटों का कुछ है, या मतलब घर में कोई भी प्रोग्राम है, तो बड़ा लोग, मतलब लोगों की मेंटेलिटी इतनी खराब है, कहेंगे कि ये ना ऐसी जान के बीमार पड़ती है। ऐसा कौन दुनिया में ऐसा है कि मतलब जान के बीमार पड़ेगा। अच्छा, पहले तो कभी उस टाइम के, मतलब हमारी दादा बाबा के जमाने में तो ये होता था कि बीमार लोग हो गए काम की वजह से। अरे यहाँ 20 लोग तो काम करने वाले हैं, ठीक, किसी चीज की मतलब वो नहीं है। तो अगर बहाना लेगा आदमी, किस चीज का लेगा, क्यों बीमार पड़ेगा। अच्छा, इसी बताइएगा, पहले गाँव गाँव में महिलाओं को कहते उनको बहुत काम करना पड़ता था, लोग पता उनके घर के क्या कहते, काम ना करना पड़े। अरे मेरे यहाँ तो काम करना वैसे ना, मेरे यहाँ तो 20-20 काम करने वाले हैं। अच्छा, फिर एक चीज है, ये जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर जो मुझे दवाई दे रहे, ऐसी दे रहे, मतलब बिना ही देखे, मतलब ऐसे ही लिख दे, झूठे को बीमार है, दवाई दे दी मेरे को। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होगा, प्रॉपर चेकअप होते हैं पूरा। ये सब कुछ अभी मेरे पास में इनके पुरानी जितनी भी वीडियो है सबकी रिकॉर्डिंग, इन्होंने चाहे फेस बदल दिए, और हमें, और एक और चीज है, हमें टैग करते हैं, हमें वो करते हैं, हैशटैग लगाते हैं हमारे, तो सब पूरा रिकॉर्ड है सारा। एक तरीके से प्रोवोक कर रहे हैं। हाँ, प्रोवोक करके कि मतलब आप उनके वो करो, प्रोवोक करो और उनके बारे में कुछ उल्टा बोलो, फिर वो इस चीज को बोले, इट्स अ काइंड ऑफ प्रोवोक। हाँ भैया, तो सैंडी है, मैंने बताया आपको, उसका वो इतना कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, बोलेंगे इसने तोड़ा घर, हाँ, फूट डाल दी, अब आपने देखा ना, घर तोड़ दिया, और ये होम ब्रेकर है, फुके वाली, इस तरह के वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। तो ये तो डायरेक्ट रिपोर्ट में तो सीधा सीधा, जिसको जानते हैं, जिसके कोई नहीं, ये सीधा सीधा क्राइम है ना, क्राइम है टोटल। यू आर डूइंग देखिए वकील साहब, मैं कह रहा हूँ ऑन कैमरा, कह रहा हूँ बिल्कुल, जो भी करना पड़े, मैं क्या कह रहा हूँ, इनके जो भी हो, मैं एक साल की अपनी पूरी अर्निंग कमाई इस केस पर लगा दूंगा, पूरा जो भी हो, करोड़ों लगेगा मैं लगा दूंगा, लेकिन इनको औकात बढ़ा दूंगा, बढ़ाना चाहिए कानूनी हिसाब से। नहीं देखिए, अगर ये लोग गलत कर रहे हैं तो इन्हें पता होना चाहिए कि ये लोग गलत कर रहे हैं सबसे पहले, तो इनको कानून के हिसाब से इनकी क्या केस बन के क्या औकात बनती है कानूनी, उसमें बिल्कुल कानूनी उससे इनका कार्रवाई बिल्कुल होगी। जी बिल्कुल होगी, और ऐसा नहीं है कि हुई नहीं है, पहले भी हुई है, भविष्य में भी होती है, और सब सब होगी। देखिए बिल्कुल सेम वही चीज है, जैसे अच्छे से अच्छे, सुनो, अच्छे से अच्छे वकील करने पड़े, अच्छे से अच्छे करने पड़े, कितनी भागदौड़ करनी पड़े, कहीं से करने के लिए कोई फीस जमा करनी पड़े, मैं सब करने, मतलब देखता है कि मेरे मम्मी पापा के लिए लोग गाली दे रहे हैं इस तरह से, तो बच्चा है तो इससे तो बुरा ही लगेगा ना, अपने माँ बापों के लिए गलत बोल रहे हैं, तो ये बोलेगा मेरे मम्मी पापा के लिए ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो, तमीज नहीं है उसमें, ऐसा है वैसा है। या तो अपने मम्मी पापा को गाली दिलवा, उनके हाथों में डंडा दे दे, मारो भाई इन्हें, और मारो तुम लोग भी मारो, तो ठीक है, तो फिर तो ये अच्छा है।
अगर इसने आवाज उठा दी कि भैया मेरे माँ बापों को गाली मत दो तो लड़का बुरा हो गया। नहीं, आप तो YouTube पे हैं, नॉर्मल भी अगर किसी भी पेरेंट्स को बच्चे के सामने अगर कोई बोल रहा है या बच्चा पढ़ रहा है तो नॉर्मल सी थिंग्स है वो, तो वो कि वहाँ पे तो करेंगे ही ना, बच्चा रिएक्ट करेगा एक छोटे से बच्चे के साथ। ऐसा ही मतलब यूट्यूब पे देखने के लिए ऐसी वाली सीख मिलेगी कि बच्चे अपने माँ बापों के खिलाफ जाए और माँ बापों को गाली दिलवाए ऐसा कुछ करे तो फिर तो YouTube बंद हो जाना चाहिए। नहीं, केसेस जो बनाए थे पहले उनके बिहार पे भी आपके एक दो चैनल तो डिलीट हुए हैं ना। हाँ, एक दो चैनल डिलीट हुए हैं आपके, तो जैसे वो डिलीट हुए ये भी हुए होंगे। नहीं, इनको डिलीट नहीं कराना, हमसे गलती एक चीज ही हो गई थी, हमने दरअसल एक बार ये बात जैसे कर दी थी ना, वो कर रहे हैं तो उन्होंने फटाफट चेंज ये कर दिए बहुत सारे, हालांकि हमारे पास तो पुरानी रिकॉर्डिंग और पुरानी सारी रिकॉर्डिंग और सब वीडियो सब कुछ है सारी। आप सब अच्छा, इसमें ये भी तो गलत है कि पहले वो की और फिर बाद में चेंज कर दी, ये भी तो क्राइम ही बनता है। सबूत मिटाना भी क्राइम है, सबूत मिटाना भी एक धारा में। अगर ये वो ठीक थे, उन्होंने कुछ गलत नहीं करा तो आप चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इफ यू आर राइट, सो व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। अच्छा, अब देख इसमें होता क्या है, मतलब ये तीन तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, क्या क्या नाम है उनके, क्या क्या नाम है उनके नाम है कोर्स। अच्छा, इसमें तीन तो बहुत ज्यादा वो करते हैं, जिसमें से दो तीन और आ गए हैं उनको भी एड ऑन करके इसमें वो करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसमें एड ऑन हो जाएंगे उसमें भी। हाँ, कोई इशू नहीं। और अगर आगे और बढ़ते हैं तो उनको भी लिया जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, कोई नहीं बख्शे जाएंगे। ठीक ठीक है, लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन। तो हमने एक नोटिस प्रिपेयर करें, एक बार आप थोड़ा एक्सप्लेन कर देना वो किस बेसिस पे है और उन्हें उनके पास क्या टाइम रहेगा। नहीं, जो नोटिस है नहीं ऐसा ना, कोर्ट वाली कार्रवाई है वो तो आगे चलेगी, लेकिन जो डायरेक्ट जो हम पुलिस और क्राइम वाली जो कर रहे हैं वो इमीडिएट एक्शन है उस पे। एक्चुअली जो नोटिस है इस फॉर द डिफेमेशन, वो आपको डिफेम कर रहे हैं, वो आपको डिफेम कर रहे हैं, आपको कितना फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, क्या आपको मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है, क्या चीज हो रहा है, तो उसके अंदर हम वो डिफेमेशन का एक तरीके से जो आपको मानहानि हो रही है, है ना, वो तो एक इट्स अ डिफरेंट पार्ट। ठीक है, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं उनके साथ कोलैबोरेशन के चार्जेस होते हैं और इसकी वजह से ये इफेक्ट हो गया कि आपको जो वो आने कुछ कम हो गए हैं। हाँ, मम्मी के पास कोलैब है ना, कोलैप्स वगैरह आने, तो इट्स अ काइंड ऑफ डिफेमेशन। मम्मी की जो इमेज थी बहुत अच्छी, पापा की भी, वो उन्होंने बहुत वो रैप्चर करी है थ्रू भी उसको। वो कर रहे हैं कि पाई का चैनल, और मतलब मेन तो आपको हेट मिल रहा है, अभी जो हेट आ रहा है ना वो आपके लिए आ रहा है। ऐसा सुनो, अब जो हो जितना भी हद तक हो इन्हें उतर जाओ मैदान में, और जो बीच में आ रहा है ना इनके डिफेंस का, मतलब इनको जो ये लगता है ना, सबसे पहले पकड़ो। मेरी मम्मी की मेंटल हेल्थ ऐसी हो गई है ना, मुझसे बाहर रहता हूँ इंडिया की, मुझे जाने में डर लग रहा है कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। सही सही बात, तो आपको मुझे मम्मी को मेरे काम इफेक्ट हो रहा है, मुझे मम्मी को छोड़ के जाने में डर लगता है। अभी अभी ऐसा अभी तो इनके ये वाले हो रहा है, और इसके बाद अभी सैंडी वाला भी कराना है, फिर वो संदीपिका वाला उसको भी कराना है, वो भी करेंगी। राइट्स तो जैसे इनके ब्रीच हो रहे हैं ऐसे उनके भी ब्रीच, डिफेमेशन तो उनका भी हुआ है ऐसा। एक महिला के ऊपर एक महिला का टिप्पणी करना बहुत गलत चीज है ना, आप नहीं कर सकते। और सामने वाला भी सेम, जो आप महिला हो तो सामने वाले की तो महिला ही है, वो इतना फीलिंग आप देखिए इतना इस हद तक ऑन ग्राउंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी शी शुड कंसीडर दैट थिंग, व्हाट इज शी डूइंग। उसको पता होना चाहिए कि वो खुद एक महिला है और किस तरीके से इस तरीके से कर रही है, उसकी भी शायद एक फैमिली होगी, उसको पता होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, पता चलेगी जब फैमिली से, जब उसको यहाँ पे डिपोर्ट किया जाएगा या लाया जाएगा। अभी तक लीगल उन्होंने झेली नहीं है चीजें, जब झेलेंगे सब सुनेंगे। उनको ऐसा, मैंने बीच में प्लान कैंसिल कर दिया था। अच्छा। मैंने कहा अब नहीं करते, जब इनका ऑपरेशन हुआ मैं छोड़ दो, अब वो भी हल्के हो गए थे। उसके बाद फिर उनको क्या है कि अच्छा, उनको क्या है, एक तो होता है कि उनका रिएक्शन चैनल है, समझिएगा रिएक्शन चैनल दोनों तरफ की सही बात को बोलता है, रिएक्शन चैनल एक को ही एक को फेवर करे और धनाधन पे ले जाए, एक ही तारीफ करे, वो रिएक्शन हो ही नहीं सकता। ये तो दोनों तरफ की चीज है, उसको बता। अच्छा, एक को भैया भैया करके बोल रहे हो और एक को नहीं, कई कई तो ये कह रहे हैं हम उनके फॉलोवर हैं, हम उनके फैन हैं और हम रिएक्शन चैनल है, या तो फोन हो, ये भी तो उनको बताना पड़ेगा, अगर फोन हो तो फिर रिएक्शन चैनल कहाँ से, और रिएक्शन चैनल हो तो फिर फैन कहाँ से हो। यू मस्ट बी इक्विवेलेंट टू बोथ द पार्टीज, नॉट बी बाइस्ड। आप एक तरफ बाइस्ड होकर चल रहे हो, यस गलत, बाइस का मतलब विद प्लानिंग के तहत कर रहे हैं, ये क्राइम बनता है। एक सुनो, इसमें एक चीज लगती है, मैंने दूसरे अभी आपको भी बता दे रहा हूँ, इसमें ग्रोहबंदी भी लगती है। लाइव में एक दूसरे की में जुड़ रहे हैं और एक दूसरे के उसमें एक दूसरे का नाम भी बोल रहे, उसको ये हुआ उसको ये हुआ। लाइव करती है तो तीनों चारों एक साथ हो जाते हैं, जैसे फेस दिखते हैं ना, आपस में बातें सारे कनेक्टर, वो ग्रोहबंदी भी लग रही है उसमें, ग्रो बना करके वो पहले से पूरा एक स्क्रिप्ट अपनी तैयार करके तब ये सब काम करते हैं, इंटेंशनली प्री प्लान कर रहे हैं, इंटेंशनली इन सब चीजों कर रहे हैं। अब जो होगा
करो करो। नहीं नहीं आप निश्चिंत रहें सर, बिल्कुल होगा, बिल्कुल करेंगे और यहाँ से लगा के सुप्रीम कोर्ट तक जहां तक भी हो करो, कोई नहीं दिक्कत नहीं, कोई बिल्कुल करेंगे। आप मैं निश्चिंत, भैया मैं आपको बता दूं मेरा भी वर्क कैसे इफेक्ट हुआ। मेरे को दिसंबर में लंदन जाना था, मैंने अपनी पूरी फी पे कर दी, सब कुछ हो गया। दिसंबर के टाइम से वो लोग वीडियो बना रहे थे, मैं घर आया कि थोड़ा चीज को मैं शांत कर दूं, पर इतना हो गया ना, मेरा जो मैंने पूरी बुकिंग करी हुई थी वो पूरी वेस्ट हो गई, मैं कहीं जा नहीं पाया। मैं 5 लाख रुपए इसने पूरे एक उससे अपने अकाउंट से जमा किए हुए हैं लंदन में से, अच्छा और ये गया ही नहीं। और 1 महीने का था वो, 1 महीने में जाना था, और वो नॉन रिफंडेबल थे, दो महीने दो महीने का सॉरी, वो नॉन रिफंडेबल थी वो पूरा काम। यहाँ मतलब यहाँ की वैसे इतने मम्मी की तबीयत खराब होने लगी, यहाँ ये झगड़ा, मेरी भी थोड़ा सा स्थिति तबीयत खराब से होने लगी थी, ये गया नहीं, और वो पूरे 5 लाख रुपए यही पे खाली रूम के ही खत्म हो गए। और आज भी ये सोच रहा है मैं जाऊं नहीं जाऊं, मतलब परेशान भी रहता है बहुत ज्यादा। नहीं वो हम सारी चीज में मेंशन, इसलिए अब मैंने सोच लिया जो हो तगड़ा वो करना, जो भी आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ है हम उसे वो देना पड़ेगा, कंपनसेट करवाएंगे। मुझे अब अगर फाइनेंशियल नहीं, फाइनेंशियल तो फाइनेंशियल जेल इनको अगर वो है जो इनको केस जो कानून के हिसाब से जेल हुआ है, जो कानून के हिसाब से अगर जेल जाने का प्रावधान है तो जाना चाहिए। बिल्कुल है प्रावधान, उनके हिसाब से जो भी इनको पनिशमेंट मिलनी है वो तो मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा जो फाइनेंशियल लॉसेस, फाइनेंशियल लॉसेस वो भी रिकवर कराएंगे, वो तो रिकवर होगा। मेरी दिन में कम से कम 15 गोली चल रही है खाने में, मतलब मैं घबराती हूँ दवाई खाने से। दवाई देखती हूँ ना मेरी, ये 15 15 टैबलेट बताओ दिन में, मतलब ये बोलती है कि दवाई खा लो, तो दवाई देखते मेरा जी घबराता है, क्योंकि मतलब कौन खाना चाहेगा इतनी सारी दवाई, मेरी इसी वजह से चल रही है। अब वो फिर बीमारी का भी मजाक बनाते हैं कि हाँ वो तो हाँ, मैं आपके चैनल के नीचे वो कमेंट्स तो मैंने पढ़े ही हैं, मैं ये रीड कर रही थी तो मैंने वो सारी चीजें देखी हैं। ड्रामेबाज है, ड्रामे करती है, कुछ नहीं वो तो दिखाऊंगा ना। अब सुनो, जैसे किसी ने ड्रामेबाज कर ड्रामा तो प्रूव करके ऐसे ड्रामेबाज ये कैसे करेंगे। उन्होंने कहा कि साहब इनकी इंटेंशन ये थी कि उसको बच्चे को ये करने के लिए थी, प्रूव कर तू कैसे कर। इन्होंने जितने भी सेंटेंस बोले इनको प्रूव करो, इनको मतलब जो डॉक्टर इनको दवाइयां दे रहे हैं, चेकअप कर रहे हैं क्या, मतलब अब ये बता जो ये इतनी टेस्ट जो ये हो रहे हैं, MRI हो रही है, अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं, इनमें रिपोर्टों में जो आ रही है ये फेक कैसे, इनको फेक साबित करो। मतलब डॉक्टर भी फेक हो गए, हाँ उनके लिए सब फेक। भाई जब वो कह रहे हैं ड्रामे कर रहे हैं तो इसका मतलब ये जो ट्रीटमेंट जो डॉक्टर कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर ये कर रहे हैं और इनके बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह सब फेल है। हाँ इनकी नजरों में सब फेल है, सब बहाना है। हाँ कायदे में तो मतलब कह रहा हूँ हॉस्पिटलों से निकला था, हमारे यहाँ जो पेशेंट जिनका ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं उसको फेक बताया जा रहा है। अगर मैं ये ड्रामे कर रही हूँ तो ऐसे ड्रामे तुम करो, मैं 15 15 गोली डेली खाओ और उसके बाद मैं ऑपरेशन करवाओ अपने घुटनों में। सही बात है, मैं करवा कर सुनो। नहीं पता है इसके घुटने में कैसे लगे, जैसे वो फ्लाइट में से उतरने हो तो इसको क्या, इसको चक्कर से जब ये ज्यादा एंजाइटी हो रहे थे, इसको चक्कर से आगे जिससे इसके हुआ था, ये सब इसी वजह से ही हुआ है अभी इनका। जब ये सोचती ज्यादा होंगी तो मेंटल वो चक्कर से आगे उसको, क्योंकि 3 से 4 महीने से ही प्रोसेस पूरा चल रहा है। ये जो कमेंट कंटिन्यू सुन रहे, मतलब दिन रात आदमी देखेगा सुनेगा तो मतलब क्या असर पड़ेगा, तो मेंटली इफेक्ट तो होता ही है। मतलब किसी अच्छे खासे आदमी को पागल 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 कहते रहो, पागल हो ही जाएगा। बिल्कुल सही बात है, लॉजिकली आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल भाई, कोई भी आदमी अगर आप उसको ज्यादा उतारो ज्यादा वो तो फिर वो है ना, फिर तो उस पर असर आएगा उस चीज को। तरीके से कि आप अब 2 4 महीने से शांत बैठे हो तो आप प्रोवोक कर रहे हैं आपको कि करो। अच्छा उन्होंने क्या सोचा कि मैं वैसे ही धमकी दे रहा हूँ, और सच ये था कि मैं ये देख रहा था इनमें से ना, मैंने कि इस मैं भी अपना क्यों टाइम खराब, हो सकता है थोड़े दिनों सुधर जाएंगे तो सुधर, लेकिन मुझे क्या पता कि ये बिल्कुल प्लानिंग के साथ गिरोह बना के इनकी प्लानिंग है ये करने की। कोई बात नहीं, अब आपको चीजें निकल के आ गई हैं, समझ में आ रही हैं, तो अब हम पूरे लीगली लॉजिकली सब तरीके अभी हमारा फोकस उनका चैनल डाउन कराना, वो मतलब वो नहीं है क्योंकि वो दूसरा बना लेंगे। देखो आप पेड़ के पत्तों को क्यों हिलाते डोलो ना, उसकी जड़ पर एक्शन होना चाहिए कानूनी रूप से। मैंने ब्लॉगिंग में, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, मैंने 3 महीने से छोड़ी हुई है, मुझे वीडियो डालने में डर लगता है कि मैं वीडियो डालूंगा इसके ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देंगे। बस मेरे भी उससे रनिंग इफेक्ट हुई है, मुझे पता है मैं आज कुछ डालूंगा ना कल उसके ऊपर 3 वीडियो बन जाएंगे। मेरा मतलब मेरा भी अर्निंग का सोर्स है वीडियो, तो सर अभी इस पे भी बनने वाली है, वीडियो तो अभी इस पे भी बनने वाली है, खुश रहो सर, यही बोल लेंगे आप लोग। तो ये डिस्कस को तो लो, हम ही वीडियो बना दे रहे हैं इसकी, तो उसमें क्या है, क्योंकि वो सारी चीजें तो क्या, अब तो जाओ नहीं, देखिए अब क्या है, अब तो हम लोग कार्रवाई करने खुल के मैदान, अब तो आ गए, अब तो आएंगी चीजें, निकलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो और हमने देखो, हम किसी को वैसे पर्सनली धमकी देते कानूनी रूप से करेंगे, जो भी सजा दिलाएंगे कानूनी रूप से, लेकिन डट के करेंगे इसमें कानूनी रूप से कार्रवाई के करेंगे। जो क्रिमिनल का प्रावधान है क्रिमिनल के हिसाब से चलेंगे, जो आपको सिविल रेमेडीज आपको दी जाएंगी वो आपको सिविल रेमेडीज मिलेगी। ठीक ठीक, दोनों तरीके की रेमेडीज आपको लीगली जो भी अवेल होती है वो आपको दिलवाई जाएंगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बिल्कुल आप चिंता ना करें, ठीक है।
Thank you.